नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से। आज हम लोग लेके आए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण करंट। ये पार्ट वन है, मार्च 2020 तक का करंट। पार्ट टू जल्द ही आप लोगों के सामने होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके BEO की परीक्षा की दृष्टि से और RO AR O 2016 की दृष्टि से। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग बजट की। बजट 2020-21 जो 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया, 30,42,230 करोड़ रुपए इसका आकार था। 2019-20 से 12.7% ये ज़्यादा था। यूपी का बजट अगर बात करें 2020-21 का, तो 18 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया वित्त मंत्री सुरेश कुमार के द्वारा। इसका आकार जो है वो 5,12,860.72 करोड़ था और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, राजकोषीय घाटे की बात कर लें तो 3.4% रहा, 3.4 रहा 2018 और 19 के लिए। 2019-20 के लिए ये रहा 3.8%, अनुमानित था 3.3, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहा है ये। 2020-21 के लिए जो अनुमानित आंकड़ा है वो 3.5 का है। अगर राजस्व घाटे की बात करते हैं तो 2018-19 के लिए 2.4 है, 2019-20 के लिए ये 2.4 आया जबकि अनुमानित 2.3 था, और 2020-21 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो 2.7 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा देखते हैं। तो 2018-19 के लिए 1.4, 2019-20 के लिए 1.5, अनुमानित था 1.3, 2020-21 के लिए 1.8। और ये सारा जो भी होता है वो GDP का परसेंटेज होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो 2018-19 के लिए 0.4 था, 2019-20 के लिए 0.2 इन्होंने अनुमानित किया था लेकिन 0.7 आया, और 2020-21 के लिए जो अनुमानित आंकड़ा है वो 0.4 का है। ठीक है, आय और व्यय की बात अगर करें तो आय और व्यय ये दो चीज़ें होती हैं जो बजट में विशेष स्थान रखती हैं। ठीक है, तो अगर आय हम लोग देखें तो उधार एवं अन्य देयताओं से 20% की आय होती है, और GST और निगम कर से इनको 18%, यानी कि GST से भी 18% और निगम कर से भी 18% की इनको आय होती है। अगर खर्चा देखें तो जो करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा है उसमें 20% का खर्चा आता है, ब्याज भुगतान में 18% का जो व्यय है वो इनका आता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा स्थान रहता है वो केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आता है 13% का। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के ठीक पहले जारी किया जाता है, 31 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। आर्थिक मामलों का विभाग जो DEA होता है और मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम जी ने इसको तैयार किया था, वित्त मंत्री द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, थीम इसकी क्या थी, धन सृजन, और रंग इसका कैसा था, लेवेंडर था। रंग कैसा था, लेवेंडर था। ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो GDP है उसका लक्ष्य 2019-20 का जो पहले 3 क्वार्टर का है 5% इन्होंने दिखाया है कि कवर किया गया है, कि जो कि 10 वर्ष में सबसे कम था, 10 वर्ष में सबसे कम रखा गया है। 2020-21 के लिए 6 से 6.5% का अनुमान इन्होंने लगाया है। 2018-19 में 6.8% GDP की जो रेंज रही थी वो रही थी। जो इनके मेन व्यूज़ हैं बजट को लेके, तो धन सृजन वो 5 ट्रिलियन की, इनका एक मोटो है कि 5 ट्रिलियन की हमको अर्थव्यवस्था रखनी है। उसके लिए बाजार में अदृश्य सहयोग, भरोसे का सहारा, व्यापार व विनिवेश अनुकूल और समान व्यापार, ये 4 पॉइंट हैं जिनको लेकर इन्होंने इस बजट में उम्मीदें रखी हैं। विश्व बैंक के अनुसार जो नई कंपनियां हैं उनके सृजन में भारत का 3रा स्थान है विश्व में, और 2014 में 70,000 नई कंपनियां गठित हुई हैं जबकि 2018 में 1.24 लाख नई कंपनियां गठित हो चुकी हैं। अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो 180% की ग्रोथ के साथ, ठीक है, सॉरी 80% की ग्रोथ के साथ है ये। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेवा निर्माण के क्षेत्र में, उसके बाद विनिर्माण, और फिर अवसंरचना व समृद्धि के क्षेत्र में ये कंपनीज खुली हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं, विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को देख लेते हैं। 2025 तक 3.5% और 2030 तक 6% करने का इन्होंने टारगेट बनाया है। 2025 तक जो अच्छे वेतन वाली नौकरियां हैं वो 4 करोड़ का टारगेट है। 2030 तक अच्छे वेतन वाली नौकरियों का टारगेट कितना रखा गया है, 8 करोड़। विदेशी मुद्रा भंडार अगर हम 10 जनवरी 2020 तक देखें तो $461.2 बिलियन का इनका विदेशी मुद्रा भंडार है। चालू खाता
घाटे की बात करें तो 2018-19 में जीडीपी का 2.1%, 2019-20 में जीडीपी का 1.5% इनका क्या है, चालू खाता घाटा है। शीर्ष निर्यात अगर देशों के मामले में देखें तो यूएसए को सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया, उसके बाद नंबर 2 पे यूएई आया है, नंबर 3 पे चीन है और नंबर 4 पे हांगकांग है। जबकि आयात की अगर स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा आयात चीन से किया गया है, उसके बाद यूएसए से है, फिर यूएई है और चौथे नंबर पर सऊदी अरब है। जबकि व्यापारिक साझेदार की अगर बात करें तो पहला स्थान यूएसए का आ जाता है, दूसरा स्थान चीन का आ जाता है, तीसरा स्थान यूएई का है, चौथा सऊदी अरब का है। अगर पांचवें स्थान पर देखें तो हांगकांग आता है। पांचवें पे कौन आता है? हांगकांग आता है। ठीक है, शीर्ष आयात क्या किन वस्तुओं का होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कच्चा पेट्रोलियम शीर्ष आयात के बारे में अगर बात करें हम लोग तो कच्चा पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, कोयला हो गया और कोक एंड ब्रिकेट्स हैं। ये चीज़ें किस में आती हैं? हमारी शीर्ष आयात में, जिसमें कच्चा पेट्रोलियम का आयात सबसे ज़्यादा होता है। अगर निर्यात का इसी जगह देखें तो जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, बहुमूल्य पत्रों का उसके बाद है और औषधियों के नुस्खे नंबर 3 पे आते हैं। अगर वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात करें तो मर्चेंडाइज आयातों में कमी आई है, जबकि नॉन पीओसी जो पीओएल निर्यात हैं उनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, बजट में विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है भारत को। अभी इस समय छठे नंबर की अर्थव्यवस्था चल रही है, फ्रांस को पिछाड़ के। अगर पृष्ठभूमि देखें इसके लिए तो उन्होंने प्रौद्योगिक उन्नयन और 15 से 65 उत्पादक आयु वर्ग जो भारत के लिए है वो एक तरीके से वरदान इन्होंने कहा है और ये इनकी पृष्ठभूमि का एक प्रमुख साधन है। 3 प्रमुख लक्ष्य इन्होंने रखे हैं, महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास और सामाजिक संरक्षण। ये 3 प्रमुख इनके लिए लक्ष्य रखे गए हैं। जब बजट पर चर्चा हुई थी उससे पूर्व कश्मीरी भाषा में एक कविता पढ़ी गई थी, वो कविता थी पंडित दीनानाथ कौल जी की। ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है उस पर किसान रेल चलाने की योजना है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद पर फोकस करने वाले राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने की बात करी गई है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये अभियान चलाने की बात हुई है और 2025 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक? तो 2025 तक टीबी के उन्मूलन की बात करी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान किया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इन्होंने कुल कितने दिए हैं? 64,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जल जीवन मिशन में 3.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। बेसिकली ये पिछले बजट में ही कर दिया गया था, उसी को आगे बढ़ाया गया है। स्टडी इन इंडिया के तहत एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में इंडसेट नामक एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें भारत में पढ़ाई के लिए ये लोग उत्साहित करेंगे बच्चों को। 2020-21 में जो शिक्षा क्षेत्र में है 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास में 3,000 करोड़ रुपए के बजट की बात करी गई है। सिंध लिपि को पढ़ने की सफलता मिल गई है ऐसा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया और लेकिन कितनी मिली है और क्या हुआ है इसके बारे में अभी कोई ओपन नहीं हुआ है। 5 नए स्मार्ट शहर विकसित करने की बात हुई है, तो अब तक 100 स्मार्ट शहर विकसित हो चुके हैं, 5 और की बात चल रही है। उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक निर्वीक योजना इन्होंने चलाई है। इसके अतिरिक्त 5 पुरातात्विक स्थल हैं जिनके विकास की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, हस्तिनापुर जो यूपी में है, शिवसागर जो असम में है, धौलावीरा जो गुजरात में है और आदिरन तल्लूर जो तमिलनाडु में है। ठीक है, जनजाति संग्रहालय रांची में खोलने की बात हो रही है, पोत संग्रहालय कहाँ खोलने की बात हो रही है? लोथल में। ऐसी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। जो G20 है, G20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में ही किया जाएगा, 2022 में किया जाएगा और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है विनिर्माण क्षेत्र में जो निगम टैक्स लगेगा वो अब नई कंपनियों के लिए 15% कर दिया है और जो मौजूदा कंपनियां हैं उनके लिए 22% है। पिछले बजट में क्या हुआ था? पिछला बजट जो था वो अप्रत्यक्ष करों से संबंधित था और सबका विश्वास ऐसा थीम रखा गया था, जबकि ये वाला जो बजट है वो किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष करों से है और विवाद से विश्वास योजना इस तरीके से लिया गया है ना। और ज्ञातव्य है कि GST जो है हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। 2006 से 2016 में गरीबी से 27.1 करोड़ लोग बाहर हुए। कुसुम योजना जो ये चला रहे हैं किसानों के लिए, उसमें क्या है? किसानों को 20 लाख पंप सेट प्रोवाइड कराने की इनकी योजना है। धनलक्ष्मी योजना जो है वो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाई गई है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं हम लोग। अब कुछ रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख रिपोर्ट जो भारतीय हैं, स्वास्थ्य विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 की किसके द्वारा दी जाती है? नीति आयोग के द्वारा दी जाती है। इसमें पहला स्थान केरल का आया,
दूसरा स्थान बिहार का है। अगर प्रथम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स देखें, ये पहली बार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है। अंतिम स्थान पर कौन है हमारा? यूपी है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर मणिपुर है। अंतिम स्थान पर कौन है? अरुणाचल है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ है और अंतिम स्थान पर कौन है? लक्षद्वीप है। राइट, वन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। 1987 से वन रिपोर्ट्स देना चालू हुई थी, हर दो साल में आती थी। 16वीं वन रिपोर्ट है भारत वन स्थिति वन रिपोर्ट 2019, 30 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च करी गई। इसके अनुसार जो वनावरण है वो 21.67% है, वृक्षावरण 2.89% है, कुल अगर बात करें तो 24.56% है। 807,276 किलोमीटर के पर है और 2017 की तुलना में जो वृद्धि हुई है वो 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 0.65% अगर परसेंटेज में हम लोग देखें। सर्वाधिक जो वृक्षावरण है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कुल मैंग्रोव वन अगर देखें तो कुल मैंग्रोव वनों में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 4975 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मैंग्रोव वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफलों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ जाता है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल रहता है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ रहता है। और जबकि अगर हम प्रतिशत मात्रा में देखें तो पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे पर अरुणाचल है, तीसरे पर मेघालय है। यूपी की अगर बात करें तो कुल वनावरण 6.15% मात्र है और वृक्षावरण 3.05% है, यानी कि कुल 9.20% यहाँ पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर है। राइट ना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की बात करते हैं, टाटा ट्रस्ट द्वारा ये जारी करी जाती है। इसमें न्याय दिलाने के मामले में अगर पहले स्थान की बात करें तो वो किसका आता है? महाराष्ट्र का। जबकि आखिरी स्थान किसका आता है बच्चों? यूपी का आता है। पहला भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों में जो पहला स्थान है वो कर्नाटक का है, दूसरा तमिलनाडु का है और अंतिम स्थान किसका बैठता है? झारखंड का, केंद्र शासित प्रदेशों में। और छोटे राज्यों की बात करें तो न्यू दिल्ली का दिल्ली का पहला स्थान है और पूर्वोत्तर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो सिक्किम का पहला स्थान है। चौथी जो भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट है 2018 की, उसके अनुसार क्या है? 29 जुलाई 2019 को इसका रिजल्ट आता है और 29 जुलाई को ही विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कल विश्व बाघ दिवस मनाया गया था। तो कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967 2014 से 18 तक 33% जो है बाघ बढ़े हुए हैं। अगर स्थानों की बात करें तो कुल 526 बाघ हैं हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और कर्नाटक में 524, यानी दो बाघ कम, तो ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। अगर उत्तर प्रदेश विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पे 173 बाघ हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ मिजोरम में संख्या क्या हुई है? घटी है। और बुक्सा जो वेस्ट बंगाल में है, डंपा जो मिजोरम में है, पलामू जो झारखंड में है, वहाँ पर बाघ पाए ही नहीं गए हैं, यानी अनुपस्थित हैं। ठीक है, चलिए अब स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 है, एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 किसके द्वारा दिया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो इसमें पहला स्थान इंदौर का आया है और अंतिम स्थान सहरसा का आया जो बिहार में है। जबकि ग्रामीण की बात करें तो शीर्ष स्थान राज्यों में तमिलनाडु रखता है, जिसका जिला कौन सा है? पेड़ापल्ली तेलंगाना का। ठीक है, जिला जो पहला स्थान रखता है पेड़ापल्ली तेलंगाना रखता है और राज्य कौन सा रखता है? तमिलनाडु रखता है। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल की है और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड जो मिला है वो छत्तीसगढ़ को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, पहला स्थान केरल को मिला, लगातार ये दूसरी बार मिला हुआ है। अंतिम स्थान किसको मिला? भारत को मिला, और ये नीति आयोग के द्वारा किया गया। पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, 2020 में ध्यान दीजिएगा कि भारत रत्न नहीं दिया गया था। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 16 पद्म भूषण दिए गए हैं, 118 पद्मश्री दिए गए हैं। इसमें 33 महिलाएं भी शामिल हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 12 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मरणोपरांत ये मिला है। पद्म भूषण विभूषण देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाम, क्योंकि कम लोगों को मिलता है इसलिए नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज को, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे उनको मिला है, जॉर्ज फर्नांडीज को मिला है, मैरी कॉम को मिला है और शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी हैं उनको मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री के
गुरु माने जाने वाले एक तरीके से विशेष तीर्थ स्वामी जी को ये मिला हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की बात करें अगर 2020 की, तो वो डॉक्टर एन एस धर्मशक्तो को मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 डॉक्टर एन एस धर्मशक्तो को। आईसीसी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं इसी जगह, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है बेन स्टोक्स को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो पैरकमिंस को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को प्राइज़ जाता है। स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट विराट कोहली को जाता है भारतीय टीम के लिए। और T20 में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो दीपक चाहर का है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी को अवार्ड मिला है, कि जो कि ऑस्ट्रेलिया की। अगर BCCI की पुरस्कार की बात करते हैं तो पाली उमरेगर पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी मिली है कृष्णमाचारी श्रीकांत को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजुम चोपड़ा जी को। लारिस विश्व खेल पुरस्कार की बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो पुरुष में है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, और महिला में सिमोन बाइल्स हैं जो USA की हैं, तैराकी में इनका है। टीम ऑफ द ईयर जो मिला है वो फ्रांस की टीम को मिला, फ्रांस की फुटबॉल टीम को मिला है। बैलॉन डी ऑर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार 2019 का जो मिला है फीफा के द्वारा ये दिया जाता है। पुरुष में लियोनल मेसी को मिला है, लगातार छठी बार अर्जेंटीना की तरफ से मेसी खेलते हैं। महिला में मैगन रेपिनो को मिला है, जो कि USA की हैं। ठीक है, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कब दिया गया, गुवाहाटी में दिया गया। फिल्म कौन सी थी, गली बॉय। गली बॉय को कुल 13 पुरस्कार मिले, अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री आलिया भट्ट, निर्देशक कौन जोया अख्तर, ये इन सबको अलग अलग पुरस्कार मिले हैं अलग अलग सीरीज़ में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अगर की बात करें तो वो ग्रेटा थुनबर्ग थी, ये 2019 की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन थी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि स्वीडन की हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें 2019 में तो नंद किशोर जी को मिला है। किसको मिला है, नंद किशोर जी को मिला है। और नंद किशोर आचार्य को मिला है हिंदी भाषा में, इनका जो काव्य था छलकते आंसू, ठीक है, उसके लिए ये मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त शशि थरूर को अंग्रेजी में मिला हुआ है, गद्य संग्रह है अंग्रेजी का इनका, और उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये शशि थरूर का है। 33वां जो मूर्ति देवी पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मिला है। उनकी आत्मा उनकी आत्मकथा जो थी अस्थि और भवति, ठीक है, इस पे मिला है। मिस वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो 69वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी ये 2019 की, और कहाँ संपन्न हुई, UK में, यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुई। टोनी एन सिंह जो जमैका की थी उनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। फर्स्ट रन अप जो थी अकेली मेजिनो फ्रांस की थी, और सेकंड रन अप जो रही हैं वो सुमन राव रही हैं, जो भारत की सुंदरी थी, विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी जो थी। मिस यूनिवर्स का अगर ब्रह्मांड सुंदरी की बात करें 2019 का, तो ये 68वां आयोजन था, जार्बिया में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आयोजन है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो मिस यूनिवर्स का 68वां आयोजन था, जोजीबिनी गुंजी को, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं, उनको ये सम्मान मिला था इसमें। राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लेते हैं चलिए जल्दी से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, अब्दुल कलाम पुरस्कार जो 2019 का था, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाने लगा है। डॉक्टर K सिवन जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनको मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार जो मिला है बजरंग पूनिया को कुश्ती के लिए, और दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स के लिए। वीर चक्र 2019 विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को मिला हुआ, जबकि संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 का S सौम्या को मिला है, जो एक गायिका हैं, कहाँ की, कर्नाटक की। 66वां फिल्म पुरस्कार हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। फिल्म कौन सी थी, हेल्लोरो, जो गुजराती भाषा की है। निर्देशक जो फिल्म पुरस्कार मिला है आदित्य धर को मिला है, फिल्म उरी के लिए। हिंदी फिल्म अंधाधुन जिसके निर्देशक श्री राम राघवन हैं उसको हिंदी फिल्म के लिए मिला हुआ है। अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन के लिए, और विकी कौशल को फिल्म उरी के लिए। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को मिला है ये प्राइज़ फिल्म महमती के लिए। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो अक्षय कुमार की पैडमैन थी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूलन राज्य जो है वो कौन सा है, उत्तराखंड है। ठीक है, 14वां विश्व शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और ये बेसिकली क्या था, सर्वश्रेष्ठ नवाचार व पहल नेतृत्व का पुरस्कार इसमें दिया गया। उसके लिए कौन सा राज्य चुना गया, राजस्थान चुना गया। इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा ये दिया जाता है, प्रिया प्रदर्शनी जैन जी को मिला है। मिस इंडिया 2019 सुमन राव, जैसे अभी पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान के 28वां बिहारी पुरस्कार मनीषा बुंदेलखंड को मिला है, इनका हिंदी उपन्यास कौन था, स्वप्नवास। 29वां
देखिए यहाँ दोनों आवश्यक हैं हम लोगों को देखना, 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ और 29वां मिला है डॉक्टर आयदान सिंह को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को मिला उनके सोलो साहित्य के लिए, और मोही सासाकावा को सामाजिक उपलब्धि के लिए मिला है। 28वां सरस्वती सम्मान 2018 का था, ठीक है। डॉक्टर के शिवा रेड्डी जो तेलुगु भाषा के में गद्य लिखते हैं उनको मिला है, उनका काव्य संग्रह है एकाकी ओतिर गिलते। जबकि 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, वासुदेव माही को। 28वां व्यास सम्मान, यहाँ देखिए पिछले साल सम्मान नहीं दिए गए थे तो एक साथ ही ये दिए गए हैं, 28वां 29वां ऊपर भी। तो व्यास सम्मान क्या है, 2018 का लीला था जगोड़ी को मिला है हिंदी के लिए, काव्य संग्रह इनका क्या था, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। जबकि 29वां व्यास सम्मान 2019 को किसको मिला है, नासरा शर्मा जी को मिला है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। 28वां जी डी बिरला पुरस्कार जो मिला है विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राजीव कुमार वार्ष्णेय को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 जो मीडिया के क्षेत्र में किसको मिला है, प्रियंका दुबे को मिला है, बीबीसी की हैं ये रिपोर्टर। पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 अभिनंदन वर्धमान को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र 2019 लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को मिला है उनकी मृत्यु के बाद। और गांधी शांति पुरस्कार, ये देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साथ ही दिए गए हैं, 2015 का दिया गया है विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है, 2016 का दिया गया है आस्था पात्र व सुलभ इंटरनेशनल को, 2017 का दिया गया है एकल अभियान ट्रस्ट को, व 2018 का दिया है योही सासाकावा को, ठीक है। चलिए भारत रत्न की बात कर लेते हैं, भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला है, जिसमें नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को कम मिला है, मृत्यु के बाद मिला है। पद्म पुरस्कार 2019 जो पद्म विभूषण है, अब ये 2019 की बात हो रही है, ठीक है। तो तीजन बाई को मिला है कला के क्षेत्र में, इस्माइल उमर गुले है जो जिबूती के राष्ट्रपति हैं उनको मिला है, अनिल कुमार मणि भाई नाइक जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको मिला है, और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे जो कला के क्षेत्र में है उनको मिला है। कुल 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री दिए गए हैं, ठीक है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें 2018 में, तो ये अमिताभ घोष को मिला है अंग्रेज़ी में पहली बार। जबकि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का किसको मिला है, अकीम को मिला है जो मलयालम भाषा में लिखते हैं। पहला विश्व कृषि पुरस्कार, चूँकि ये पहला विश्व कृषि पुरस्कार है तो इम्पोर्टेंट है, 2018 का दिया गया है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। भारत भारती सम्मान अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, 2017 का डॉक्टर रमेश चंद शाह को और 2018 का डॉक्टर उषा किरण खान को मिला है। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला है, जबकि जो 49वां पुरस्कार मिला था वो विनोद खन्ना को मिला था, मरणोपरांत मिला था। पहला गौरी लंकेश अवार्ड, ये पहला अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है, रवीश कुमार जो रिपोर्टर हैं NDTV के उनको मिला है। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनको मिला है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2018 सितार के लिए फेमस मंजू मेहता जी को मिला है, जबकि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 सोनम कपूर जी को बनाया गया है। 29वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है, गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। संतों कावा मानवतावादी पुरस्कार किसको मिलता है, एस किरण कुमार और कैलाश सत्यार्थी को। जबकि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेसिकली दिया जाता है किशोर कुमार जी के सम्मान में, तो 2017-18 का वहीदा रहमान जी को मिला है और प्रियदर्शन को मिला है 2018-19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, शास्त्र नवोन्मेष पुरस्कार ये प्रोफेसर एडम हॉपर, ठीक है, इनको मिला हुआ है योग के संवर्धन व विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए, जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है 2019 का। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो राष्ट्रीय में स्वामी राजर्षि मुनि को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय में किसको मिला है, ए रोबी को जो इटली की हैं। स्वामी राजर्षि मुनि क्या है, लाइफ मिशन जो गुजरात है उसके संस्थापक हैं। संगठनों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठनों में बिहार स्कूल ऑफ योगा जो मुंगेर में स्थित है उसको मिला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जापान योग निकेतन संगठन जो जापान का है उसको मिलता है ये पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों की चलिए बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी और एस्पर डफ्लो को मिला है, ये भारतीय अमेरिकी हैं दो, इनको मिला है। इसके अलावा तीसरे जो है माइकल क्रेमर हैं। शांति के क्षेत्र में अगर देखें तो अबी अहमद अली को मिला है जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। साहित्य का जो नोबल है 2018-2019 का एक साथ दिया गया है, 2018 के ओल्गा टुकसबर्ग हैं पोलैंड की, इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल 2019 भी दिया गया है। और 2019 का जो पुरस्कार है
वो पीटर हैंडके को दिया गया है, ठीक है, पीटर हैंडके को दिया गया है जो ऑस्ट्रिया में, ये साहित्य का नोबल है, ऑस्ट्रिया की है। रसायन की बात किया जाए तो जॉन वी गुडइनफ हैं, 97 वर्ष के हैं, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है। इसके अलावा स्टैनली विटिंगटम हैं जो ब्रिटेन की हैं, अकीरा योशीने हैं जो जापान के हैं, इनको लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए रसायन का पुरस्कार मिलता है। भौतिक की अगर बात करें तो मिशेल मेयर व डिएटर क्लूज़ जो स्विट्जरलैंड के हैं, जबकि जेम्स पीबल जो कनाडाई अमेरिकी हैं, इनको मिला हुआ है। चिकित्सा की बात कर लेते हैं, विलियम जी कॉलिन जूनियर यूएसए के, सर पीटर जे रेडक्लिफ यूके के, और ग्रेग एल सेमेंजा यूएसए के, इनको क्या मिलता है, इनको पुरस्कार मिलता है चिकित्सा का नोबल। एशिया पर्यावरण अगर प्रवर्तन पुरस्कार की बात करें तो रमेश पांडे जी को ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 जो किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ड्रिवना मलोम जो कैमरून की हैं और ग्रेटा थुनबर्ग जो स्वीडन की हैं, उनको मिलता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात कर लें तो 92वां ऑस्कर था, तो कौन सा था ये इम्पोर्टेंट है, 92 था ऑस्कर पुरस्कार 2020 में जो भारतीय फिल्म नामित हुई है वो क्या हुई है, गली बॉय हुई है। एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड 2019 जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है, इसमें ग्रेटा थुनबर्ग जो स्वीडन की हैं, उनको फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट का पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। ये मूवमेंट चलाने के लिए, सॉरी, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट चलाने के लिए एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड 2019 मिला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए अवार्ड्स की बात कर लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज़ द अपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये इनको मिला है। जायद मेडल मिला है जो यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। सियोल शांति पुरस्कार 2018, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2018, ग्रैंड कॉलर फिलिस्तीन का पुरस्कार, आमिर अमानुल्लाह खान अफगान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, किंग अब्दुल अजीज सेंच पुरस्कार जो सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिकता सम्मान है। निशाने इजुद्दीन मालदीव का है, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा बहरीन का है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छता मिशन के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया गया है। इसके अलावा तो ये अवार्ड थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए। द बुकर पुरस्कार, मैन बुकर 2019 का भी जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं, मार्गरेट एटवुड कनाडा की हैं, उनकी जो बुक है द टेस्टामेंट उसके लिए मिला है। दूसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता, पहली बार इन्होंने ये पुरस्कार कब जीता था, 2000 में जीता था, अ ब्लाइंड असैसिन के लिए, और सर्वाधिक उम्र की हैं और दूसरी बार जीतने वाली ये दूसरी महिला है, ऐसे ये चौथी महिला, दूसरी बार जीतने वाली ये दूसरी महिला है, ऐसे ही कौन सी है, चौथी महिला है, ठीक है। अगर वर्नडाइक एवरास्टो ब्रिटेन, इनको भी मिला है, वर्नडाइक एवरास्टो ब्रिटेन के हैं, इनको मिला है। गर्ल वुमेन अदर इनका उपन्यास है, ये पहली अश्वेत महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं वर्नडाइक एवरास्टो ब्रिटेन की, ये पहली अश्वेत महिला है और अश्वेत ब्रिटिश लेखिका है जिनको ये पुरस्कार मिलता है। मैन बुकर इंटरनेशनल की बात करें, ऊपर वाला द बुकर पुरस्कार था, ये मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है तो जो का अलहारती को मिला है, ये ओमान की पहली लेखिका है, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडीज इनकी क्या है, पहला उपन्यास है जिसके लिए इनको मिला है। 2018 की थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं तो ओल्डर टेगसबूर को मिला उपन्यास इनका कौन सा, द फ्लाइट्स। 91 आज के पुरस्कार की बात करते हैं 2019 की बात, तो ग्रीन बुक जिसके निर्देशक पीटर कैरली थे, इस फिल्म को लिया गया है। और आज के लिए निर्देशक जो नामित किए गए हैं, अल्फांसो क्यारोन जो फिल्म रोमा के हैं, अभिनेत्री जूलिया कोलमैन द फेवरेट के लिए, अभिनेता रामी मालेक बोहेमियन रैप्सोडी के लिए, और विदेशी भाषा की फिल्म जो है रोमा उसको फिल्म की श्रेणी में रखा गया है। जबकि अगर हम 92 पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो फिल्म पैरासाइट है, अभिनेता जी फिनिक्स हैं, फिल्म जोकर के लिए अभिनेत्री रेनी जेल्सप्रर हैं, जूडी के लिए और पैरासाइट के लिए निर्देशक बांग जून हो हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 72वां कांस फिल्म समारोह देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको रखा गई, कांस फिल्म में पैरासाइट को रखा गया, ठीक है। 61वां ग्रैमी अवार्ड देखें तो एल्बम ऑफ द ईयर गोल्डन आर को मिला है, क्रिसी मुगेस का जो है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला, दिस इज अमेरिका को। इसी में ही हम लोग देख लेते हैं जो 62वां है, ठीक है। ये एल्बम ऑफ द ईयर मिला है व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप, और रिकॉर्ड एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला, बैड गाइस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया था, रवीश कुमार भारत के हैं, उनको मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त किम जोंग जी जो दक्षिण कोरिया के हैं, नंबर 3 पे आपके आते हैं स्वेनिन
जो म्यांमार के हैं, नंबर चार पे आते हैं अंकाना जो थाईलैंड के हैं, नंबर पाँच पे आते हैं रोमेंडो बुंजाले जो फिलीपींस के हैं। इस तरीके से पाँच लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। द राइट लेवलीहुड पुरस्कार 2019 अमीने तो हैदर गो जियामी ग्रेटा थुनबर्ग, ग्रेटा थुनबर्ग नाम इंपॉर्टेंट है इसके लिए द राइट लेवलीहुड पुरस्कार के लिए। इसके अलावा डेवी कोपेनहावा हुतुकारा थानोमामी एसोसिएट जो ब्राज़ील का है उसको मिला हुआ। गांधी मंडेला प्लीज़, इसमें आप जो द राइट लेवलीहुड में अमिता हैदर और ग्रेटा थुनबर्ग को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। गांधी मंडेला पीस मेडल पुरस्कार 2019 जो मिला है थिक्ता खान को मिला है जो वियतनाम की हैं। लेकिन मिस इंग्लैंड 2019 किसको मिला, भाषा मुखर्जी को, भारतीय मूल की हैं ये। नवा सार फिल्म महोत्सव समारोह कहाँ हुआ, कोलंबो में आयोजित हुआ। फिल्म नगर कीर्तन जो भारतीय बंगला भाषा में लिखी गई है उसको पुरस्कार मिला। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया की 2019 की कौन बनी है, प्रिया सेराव बनी है। पेन पेंटर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पेन पेंटर पुरस्कार की बात करें तो लेक्स से MVE जो ब्रिटिश लेखिका हैं उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सासाकावा पुरस्कार जो मिला है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा जो दिया जाता है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। यूनेस्को गिल्मो कैन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 जो मिला हुआ है वो क्यो सो ओ इन वालोन म्यांमार को मिलता है। बोर्डले मेडल 2019 अमर सेन तथा कजोनो वशिगिरो को मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पीटर तबीची हैं कहने की उनको मिला हुआ है। टेम्पल्टन पुरस्कार मार्सोलो ग्लीसर हैं उनको मिला है, जबकि खेल पुरस्कार 2019 एबल पुरस्कार ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार है, एबल पुरस्कार है ठीक, जिसको मैथ का नोबल भी कहते हैं, ये क्रैनवेल ओहेल बेक को मिला है। ये पहली महिला है अमेरिका के लिए इनको मिला है ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अगर 2019 की बात करें डॉक्टर जैकी किंग को मिला है। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 पद्मनाथन गोपालन को मिला है जो नो वेस्ट फूड के संचालक हैं। प्रिट्ज़कर पुरस्कार 2019 ये किसको मिला, अराला इसोलिकी को, प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019। पहला शेख सईद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, तो पहला शेख सईद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2019 UAE के द्वारा दिया जाता है, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को दिया गया। डैन डेविड पुरस्कार 2019 प्रोफेसर संजय सुब्रमण्यम जो भारतीय हैं इसराइल सरकार के द्वारा दिया जाता है इनको दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो दिया गया UNA के द्वारा 2018 में दिया गया था नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैकवेल को संयुक्त रूप से, और 2019 के लिए दिया गया कोस्टारिका ठीक है। चलिए अब कुछ थीम्स देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनती हैं थीम्स। बजट 2020-21 के लिए 1 फरवरी 2020 को हुआ लोकसभा, तो यहाँ पे क्या था, जीवन यापन में आसानी ठीक है, ईज इन लिविंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो थीम रहा है वो है धन बनाना। विश्व पुस्तक मेला 2020 की जो हुई प्रगति मैदान नई दिल्ली में उसका थीम क्या था, गांधी द राइटर्स राइटर। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 जो शारजाह में UAE में किया गया उसका थीम रहा है ओपन बुक्स ओपन माइंड। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में रहा आयोजित किया गया इसका था भारत वर्तवा रक्षा विनिर्माण केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में नई दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान ठीक है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 का ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मथुरा से प्रारंभ हुआ था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ये इसका क्या रहा था, थीम रहा था। UNCCD अंगार का जो COP14 का हुआ है 2019 में कहाँ पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ। रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर ये इसकी थीम रही है। 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ, ब्राजीलिया में हुआ। ब्राजीलिया कहाँ, ब्राज़ील में, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास ठीक है। 35वां आसियान 2019 कहाँ हुआ है, थाईलैंड में हुआ। स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना ये इसकी थीम है ठीक है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग चक्रवातों की ठीक है। जो प्रमुख चक्रवात आए हैं तो बुलबुल चक्रवात पश्चिम बंगाल में ओडिशा नवंबर 2019 में आया। फेनी आया अप्रैल से मई 2019 के बीच में। वायु आया अरब सागर में गुजरात तट के पास जून 2019 में। और बाबुक्र आया वियतनाम में, थाईलैंड और म्यांमार में जनवरी 2019 में ठीक है। इसके अलावा हैगी बीज अक्टूबर 2019 में कहाँ, जापान में आया था। फैक्सई भी जापान का है सितंबर 2019 का। और डोरियन जो अमेरिका वो बहदमास में है वहाँ भी सितंबर 2019 में ये आया हुआ था। उस्मान मनीला और फिलीपींस में जनवरी 2019 में ये प्रमुख चक्रवात है। चलिए कुछ किताबों की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। गुड
इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम अभिजीत बनर्जी वेस्टर डेफ्रो के द्वारा लिखी गई है। 2019 हाउ मोदी वन इंडियंस, ये राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखी गई है। माइंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखी गई है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई है। रिसर्च एंड इंडिया विमल जालान द्वारा लिखी गई है। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी मीनाक्षी लेखी व कृष्ण कुमार के द्वारा लिखी गई है। बिकमिंग मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई। द वर्डिक प्रणव राय को द्वारा लिखी गई है। एवरी वोट काउंट्स नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। नमस्ते गैलोम तरुण विजय के द्वारा है। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई है। वी आर डिस्प्लेस्ड ये लिखी गई है मलाला यूसुफ जई के द्वारा। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ब्रीफ ऑनर्स टू द बिग क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड रामचरण गुहा के द्वारा लिखी गई। लालू लीला सुशील मोदी के द्वारा लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक है। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई है। इन 11th आवर एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओदांस से द्वारा लिखी गई। कर्मयोगी डॉक्टर रमेन सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई। अनीता ग्रेटस बेल अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई। कोड्स एंड ईयर जजमेंट ये भी अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई। अरुण शौरी की ये दोनों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अनीता ग्रेटस बेल्स और कोड्स एंड द ईयर जजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम फॉर ऑल थिंग्स रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। बहुत दिन बाद इनकी बुक आई है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई है और गौतम भट्टाचार्य ने इनका सहयोग किया। एग्जाम वॉरियर्स तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रचित है। मातोश्री मातोश्री की लेखिका कौन है, सुमित्रा महाजन है। और साक्षी भाव ज्योतिपुंज सोशल हारमोनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि ये किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। साक्षी भाव ज्योतिपुंज और सिंपल हारमोनी, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, 2020 में हुआ, 7 से 8 फरवरी 2020 कहाँ पर, मुंबई में। इसकी थीम क्या रखी गई, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। देश का पहला हस्तशिल्प गांव कहाँ बनाया गया, अंगारा में प्रस्तावित है पहला हस्तशिल्प गांव। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 में रखा गया, 11 फरवरी 2020 को हुआ, कहाँ होता है, ये भोपाल में होता है। ITPR जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 है, इसमें 53 देशों को लिया गया है। पहला स्थान USA का आया, भारत का 40वां स्थान आया। ध्यातव्य है कि 2019 में 36वां स्थान था, तो 4 स्थानों का नुकसान हुआ इसको। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019, हर साल का ऑक्सफोर्ड अपना एक वर्ड बनाता है। 2019 का जो वर्ड है वो है संविधान है। मालदीव राष्ट्रमंडल का पुनः सदस्य बन गया है, तो अब राष्ट्रमंडल में कितने सदस्यों की संख्या हो गई, 54। 2016 में ये बाहर हो गया, तो मालदीव पुनः सदस्य बन गया। लेप्रोसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है कुश्रो मिशन ट्रस्ट के द्वारा, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को मिला, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को मिला। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें, 2019 EIU द्वारा ये पारित होता है। 165 देश होते हैं इसमें, पहला स्थान नॉर्वे का है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के लिए 51वां स्थान दिया गया है, जबकि 2018 में इसकी जो पोजीशन थी वो 45वीं थी, ठीक है। तीसरा विश्व आलू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जनवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में किया गया। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया, मेरठ में बनाया गया। उन जानवरों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया जो सेना में सैनिकों के साथ रहते हैं। टायलर पुरस्कार जो है पर्यावरण का नोबल उसको कहते हैं, टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबल कहते हैं। 2020 में पवन सुखदेव को मिला है जो WWF के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर सेचन की डेली को मिला। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 जनवरी 2020 में चालू हुआ और नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। डायन चक्रवात जून 2020 में मेडागास्कर में आई है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय सेना ने इससे प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन चलाया, अभियान चलाया, उसे क्या कहा गया, ऑपरेशन वनीला कहा गया, ठीक है। 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे श्री रामनाथ कोविंद। 13वें उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे शरद अरविंद बोबडे। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। 15वें प्रधानमंत्री हैं दामोदर दास मोदी। और 25वें रिजर्व बैंक के अध्यक्ष हैं शशिकांत दास, ठीक है। चलिए कुछ सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये मार्च 2019 तक का है, इधर कोई सूचकांक आए भी नहीं है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। पहला स्थान नॉर्वे और न्यूजीलैंड का है। संयुक्त रूप से भारत 80वें स्थान में, 2018 में इसका 78वां स्थान था।
वैश्विक प्रतिभा पुरस्कार 2020 जो इनसीड द्वारा दिया जाता है, उसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान कितना है? 72वां है। प्रथम वैश्विक सामाजिक गतिशीलता 2020 में पहला स्थान डेनमार्क का है, भारत का स्थान 76वां है, WEF द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो जर्मन वाश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पहला स्थान स्वीडन का है, भारत का 9वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 जो WEF के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है, भारत का 112वां स्थान है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जो वर्ल्ड बैंक करता है, इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड है और भारत का 63वां है। तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि 2019 में ये 77वां था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2019 UNDP द्वारा प्रदर्शित किया था, पहला स्थान नॉर्वे का है, भारत का 129वां स्थान है, 2018 में 130वां स्थान है, एक स्थान का इसको फ़ायदा हुआ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा किया जाता है, पहला स्थान आइसलैंड है, दूसरा भारत का स्थान 141वां होकर 143वां स्थान है, जबकि 2018 में इनका स्थान 136वां था। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 ये दी जाती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के दी जाती है, इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का 140वां स्थान है, जबकि 2018 में 138वां स्थान था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे सर्वाधिक प्रसन्न देश कौन सा है? हमारा फिनलैंड है। ठीक है, और भारत का स्थान 140वां है, 2018-19 में कितना था? 133वां। तो यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 की अगर बात करें तो कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेलोगस हिल के द्वारा ये प्रदर्शित करी जाती है, पहला स्थान बेलारूस का है और 102वां स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, चलिए कुछ नियुक्तियाँ देख लेते हैं हम लोग। हाँ, महान्यायवादी जो है इस समय KK वेणुगोपाल राव हैं। ठीक, महान्यायवादी KK गोपाल राव हो गए। अध्यक्ष जो हैं हमारे लोकसभा के वो ओम बिरला जी हैं। वो सभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बन गई हैं? स्नेहलता श्रीवास्तव बन गई हैं। उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के हैं वो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। CEO जो नीति आयोग के हैं डॉक्टर अमिताभ कांत सिंह जी। अध्यक्ष जो 21वें विधि आयोग के हैं वो बलबीर सिंह चौहान हैं, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षता है वो रेखा शर्मा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष जो बने हैं वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया बने हैं, जबकि नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? एडमिरल करमवीर सिंह बने हैं। जल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी हैं। विदेश सचिव हरवंश श्रृंगला जी हैं। BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली ने शपथ ली थी अपने। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बना दिया गया है? जनरल बिपिन रावत जी को बना दिया गया है। अध्यक्ष जो विश्व बैंक के हैं वो हैं डेविड मालपास। प्रबंध निदेशक जो IMF के हैं क्रिस्टिना जॉर्जिलोवा बुल्गारिया की। महानिदेशक WTO के रॉबर्ट अजोवेडो और महानिदेशक यूनेस्को के आंद्रे सुजेलो हैं। ठीक है, चलो कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं यह आयोग है देख लेते हैं। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के रिव्यू के लिए अटोमेश सिन्हा समिति बनाई गई। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए 8 राज्यों में जो हिंदू राज्य हैं उनके लिए जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में बनाई गई। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग PP रेड्डी के उसमें है। लोन संबंधी धोखाधड़ी हेतु निर्मित समिति जो है वो PH मालेग्राम के नेतृत्व में बनाई गई है। ठीक है, H मालेग्राम के नेतृत्व में NPA के निस्तारण हेतु जो अमिताभ कांत समिति बनाई गई। कौन समिति बनाई गई? अमिताभ कांत समिति बनाई गई है। रेलवे में सुधार के लिए, किसमें सुधार के लिए बच्चों? रेलवे में सुधार के लिए अमिताभ कांत विवेक देवराय नामक एक समिति बनाई गई है। ठीक है, इसमें कौन है अध्यक्ष? विवेक देवराय। और प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण के लिए जो समिति बनाई गई है वो अरविंद मोदी जी के नाम से बनाई गई है। चलिए अब कुछ सैन्य अभ्यासों के बारे में बात कर लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो 14वां अभ्यास है 2019 में भारत और मंगोलिया के बीच का है। एक्वेरन ये भारत और मालदीव के बीच का है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच का है। मालाबार 2019 भारत जापान और USA के बीच का है। संयुक्त सेना अभ्यास जो मैत्री है वो भारत और थाईलैंड के बीच का है। स्लिनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच का है। कॉपरेट 2019 भारत और थाईलैंड के बीच का है। युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और
अमेरिका के बीच में होता है, व्यास कोंकण जो रहता है भारत ब्रिटेन के बीच में रहता है, हैंड इन हैंड भारत व चीन के बीच में रहता है, गरुण सिक्स भारत और फ्रांस का एक युद्ध अभ्यास है, जबकि सिम्बेक्स 2019 भारत व सिंगापुर का एक है, ठीक है। वरुण भारत व फ्रांस का है, वरुण किसका है, भारत व फ्रांस का है। INVPN और वायलेट एक्स ये किसके हैं, भारत और वियतनाम के। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। एफेंडेक्स संप्रीति जो है वो भारत व बांग्लादेश के बीच में है। संप्रीति इम्बेक्स जो है भारत व म्यांमार के बीच में है। इंद्रा नेवी जो है भारत व रूस के बीच में है। शिन्यो मैत्री जो है भारत व जापान के बीच में है। अभ्यास कोप इंडिया जो है भारत व अमेरिका के बीच में होता है। वज्र प्रहार भारत व अमेरिका के बीच में, जबकि इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। सम्मेलन जो G20 है, ठीक है, वो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन है। कहाँ हुआ था, अकोयामा जापान में हुआ था। यहाँ पे G20 के बारे में बात हो रही है। 14वां G20 2019 में ओसाका जापान में हुआ था। इसका थीम था भविष्य का मानव केंद्रित समाज। 13वां जो हुआ था G20 2018 का था ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में हुआ था। 15वां G20 कहाँ होगा, 2020 का रियाद सऊदी अरब में होना था। और जो 17वां 2022 का है G20 जिसके बारे में अभी हम लोग बजट में बात कर रहे थे, वो नई दिल्ली भारत में होना है। 32वां और 33वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, तो ये दो सम्मेलन एक साथ होते हैं आसियान के, ठीक है। तो 32वां 33वां जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था 2018 में, और 34वां और 35वां जो हुआ था आसियान शिखर सम्मेलन 2019 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। भारत आसियान व्यापार सम्मेलन जो है, ठीक है, 2019 में कहाँ पर होता है, मनीला फिलीपींस में होता है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं हम लोग बिम्स्टेक की। तो चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2018 का काठमांडू नेपाल में हुआ है। पहला जो ये हुआ था ये 2004 में हुआ था बैंकॉक में थाईलैंड में। और पांचवा जो होगा, ये चौथा अभी हुआ 2018 में, पांचवा कहाँ पे, कोलंबो में प्रस्तावित है, श्रीलंका की राजधानी। 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2019 में हुआ, कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील में हुआ। जबकि 10वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और जो 12वां शिखर सम्मेलन होगा वो याकोत्रन वर्ग में होगा जो रूस में है, ठीक है। मार्च 2019 में ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन एक हुआ था जिसमें कुटीवा जो ब्राज़ील में हुआ था, इसमें आतंकवाद एक मुद्दा उठाया गया था, ये शेरपाओं का सम्मेलन था, ठीक है। शंघाई सहयोग सम्मेलन की बात करें तो 19वां शंघाई सहयोग संगठन 2019 का बिश्केक किर्गिस्तान में ये हुआ है। 18वां जो हुआ था वो किंगदाओ में हुआ था जो चीन में था। जो 20वां है 2020 का वो रशिया में प्रस्तावित है, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो 45वां जी शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था, बियारिट्स फ्रांस में हुआ था। 44वां इससे पहले क्यूबेक सिटी कनाडा में हो चुका था। और 46वां 2020 में जो होना है वो अमेरिका में प्रस्तावित है। 25वां चोंगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ, लंदन यूके में हुआ। जबकि 26वां जो अब 2020, ये प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल में होता है, 26वां 2020 रवांडा में होना प्रस्तावित है। और 27वां जो है समोआ में प्रस्तावित है। इंटरपोल 2019 जनरल असेंबली सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ होना है, चिली में होना है। और 2022 भारत में होगा ये इसके बाद वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं UNCCC यानी COP14, ये भारत में हुआ, नोएडा में हुआ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेक्रेट फेडरेशन, ये हमारा इसका पूरा फुल फॉर्म है। COP13 कहाँ हुआ था, आर्डोस में हुआ था चाइना में। 17 जून 1994 में पेरिस में कॉप की स्थापना, UNCCD की स्थापना होती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन बेसिकली जो है हमारे COP24 और COP25। COP24 हुआ है 2018 में कैटोबिस में पोलैंड में, जबकि COP25 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ। ये पहले चिली में प्रस्तावित था, ठीक है। 50वां गोल्डन जुबली अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो ये पणजी में हुआ है, और हमेशा यही होता है, पणजी में ही हमेशा होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये आता है आपको तो पणजी लगाना है। 4वां एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन AWEB, ठीक है, ये बंगलुरु में हुआ। इसके प्रमुख कौन थे, स्टीवन अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा इसके जो थे, क्या थे, प्रमुख थे। भारत चीन अनौपचारिक जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ। इससे पहले 2018 में हुआ था वो युहान में हुआ था, ठीक है। C40 अगर हम जलवायु शिखर सम्मेलन की बात करें, ठीक है, 2019 में तो ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ मेयर्स का होता है, ये कोपेनहेगन में हुआ था जुलाई 2019 में डेनमार्क में। ये नगरों के प्रतिनिधि होते हैं, उनका होता है।
अगर नवे सार्क फिल्म महोत्सव की बात करें 2019 में तो ये कोलंबो में हुआ। नगर कीर्तन की बात करते हैं तो निर्देशक कौन है, कौशिक गांगुली, उनको ये मिला हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित इनको 4 पुरस्कार मिले हुए हैं इस फिल्म को। 39वां विश्व कवि सम्मेलन कहाँ रखा गया, भुवनेश्वर में रखा गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ वो कोलकाता में हुआ। 4था कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित किया गया। नमस्ते पैसिफिक 2019 ये कहाँ रखा गया था कार्यक्रम, दिल्ली में। महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगस्त 2019 में ये केरल में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। इसमें अंडर 17 और 21 एज के लोग लिए गए थे। तीसरा जो होगा है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा कहाँ कब होगा, 2020 में गुवाहाटी में होगा। और पहला कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, खेलो इंडिया गेम्स के नाम पर, स्कूल गेम्स के नाम पर। इसमें सिर्फ अंडर 17 लोग ही बच्चे ही लिए जाते थे, ठीक है। आपके 21 भी कर दिया गया। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता था, आपकी इसकी डेट चेंज करके 21 से 23 जनवरी 2019 रख दी गई थी। इसकी वाराणसी में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ऑफ अ न्यू इंडिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा का 74वां जो सम्मेलन हुआ था 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे तिजानी मोहम्मद बांडे थे, नाइजीरिया के ये थे। मोदी का संबोधन इसमें हुआ था 27 सितंबर 2019 को। हाउडी मोदी एक कार्यक्रम रखा गया। हाउडी का मतलब क्या होता है, कैसे हो। ह्यूस्टन शहर में जो टेक्सास USA में है 22 सितंबर 2019 को रखा गया, ठीक है। और स्टेडियम का नाम क्या था, NRG स्टेडियम, ठीक है। इसकी थीम थी साझा सपने उज्जवल भविष्य। इसी को देखते हुए, जैसे हाउडी मोदी था, इसी को देखते हुए एक कार्यक्रम रखा गया थाईलैंड में, सिवाजदी मोदी बैंकॉक में 1 नवंबर 2019 को हुआ, निमिबुत्र स्टेडियम, ठीक है। वहाँ कौन सा स्टेडियम था, निमिबुत्र स्टेडियम, वहाँ पे ये रखा गया, जबकि NRG स्टेडियम में हाउडी मोदी था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जिनको आप लोग ध्यान से देखें। और इसमें से बहुत अधिक संभावनाएँ हैं प्रश्न आने की, ठीक है। इसके बाद का जो प्रमुख फैक्ट हैं वो हम लोग लेकर आएंगे अपने दूसरे वीडियो में, तो देखते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान के नाम से है, त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान के नाम से। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो 9598893358 पर कॉल या टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।